जनअधिकार पार्टी की देहरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार ने आज डेहरी की राजकीय स्वराष्ट्रीय मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई का भी काफी ध्यान रखा गया है, लेकिन स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। बाउंड्री नहीं होने की वजह से बाहरी आवारा पशु स्कूल के अंदर घुस जा रहे हैं, जिससे बच्चों को काफी डर लग रहा है। समीर कुमार ने कहा कि मैं रोहतास जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि स्कूल में जल्द से जल्द बाउंड्री करवाया जाए। सुनिए क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा से बातचीत के दौरान। मौजूद है डेहरी के अभी राष्ट्रीय मध्य विद्यालय में। आप देख सकते हैं कि स्कूल में, स्कूल तो है काफ़ी साफ सुथरा स्कूल है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में कहीं से कोई बाउंड्री नहीं है। अगर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, चाहे बाहर ही कोई लोग चाहे तो कहीं से भी आ जा सकते हैं स्कूल में, स्कूल के टाइमिंग के अनुसार पर, जिससे बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकता है। स्कूल का निरीक्षण करने के लिए जन अधिकार पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी डेहरी विधानसभा के समीर कुमार आए हैं, कुछ बात करेंगे। क्या निरीक्षण किया इन्होंने स्कूल में? आप स्कूल का निरीक्षण किए, क्या कुछ पाया कमी है? सबसे बड़े धन्यवाद आपका न्यूज़ 9 का, क्योंकि आपके विद्यालय के विद्यालय का निरीक्षण करना हो तो अपना समय निकाल के मेरे पास आए। विद्यालय का निरीक्षण तो मेरा ये पहला नहीं है, अब तक मैंने 15 विद्यालयों का निरीक्षण ऑलरेडी कर लिया है और कई विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में ऑनरेबल डी एम रोहतास को बताया भी। क्योंकि शहर में या गाँव में जितने भी विद्यालय हैं, देश का विकास तभी संभव है जब प्राथमिक स्तर का, प्राइमरी स्तर का जो विद्यालय अच्छा हो। जब हमारा प्रोडक्ट ही खराब निकलेगा हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा देश सर्वांगीण विकास करेगा? ये गाना था कि तुम ही हो बच्चे कल के, इंसान के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो ये बच्चे अगर इंसान के डगर पे चलना सीखेंगे ही नहीं तो देश कैसे विकसित होगा? उसी क्रम में जब मैं आज राष्ट्रीय मध्य विद्यालय पहुँचा हूँ जो कि अम्बेडकर चौक पर स्थित है, आप खुद देख सकते हैं विद्यालय में गेट ही नहीं है। जिस विद्यालय में मुख्य द्वार ना हो क्या सेफ्टी का काम आना होगा भाई? छोटे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई बच्चा अगर आँख उझल करके शिक्षक का बाहर निकल जाए और सड़क दुर्घटना कोई अगर बात हो जाती है उसका उत्तर कौन देगा? स्थानीय विधायक का हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं लेकिन स्कूल का निरीक्षण करते हुए नहीं अपने ध्यान समझ पाएगा। अरे छोड़िए, स्थानीय विधायक का प्रवक्ता तो मैं हूँ नहीं, कुछ से मैं बोलूँगा तो उनसे जाकर पूछे वो करते क्या है, सरकार किस लिए बनी है, क्यों चुने गए हैं, कुछ तो पता है नहीं। तो अस्पताल केवल तेजस्वी जी का अगर कॉपी करना है तेजस्वी यादव का तो करने दीजिए। जनता ने तो मैंने डीसी आधार पर दिया था कि काम है भैया, जनता तो हर बार मैंडेट देती है और सबसे अधिक जनता सताई जाती है। आज तक जनता को मिला क्या है? झूठे खोखले वादे, झूठे खोखले वादे तो मिलते हैं जनता को। जनता ने तो वोट दिया था शिक्षा पे, सुधार पे, नहीं सुने थे? पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमवाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। कहाँ है सिंचाई, कहाँ है सुखाई, कहाँ है कार्रवाई, कहाँ है सुनवाई? प्रिंसिपल बोलते बोलते थक गया सर, कहाँ सुनवाई हुई और कहाँ कार्रवाई हुई, किससे कार्रवाई हुई है? अगर एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है बाउंड्री ना वाल होने की वजह से, निकल जाता है अगर आँख उधल करके, कौन उसका उत्तर देगा, कौन उसका उत्तर देगा? इसलिए मैं किसी पे कोई टिक्का टिप्पणी करने के लिए विद्यालय नहीं आया हूँ। मेरा मकसद विद्यालय का सर्वांगीण विकास, विद्यालय में बेहतर सुविधाओं का ध्यान देना और क्या होना चाहिए ये मैं करा कर रहूँगा। इस विद्यालय के लिए आप जिला पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे? अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैं डीएम साहब से मैसेज किया है, उन्होंने अनुरोध किया है सबसे कि सर पहले कम से कम जब तक अगर बाउंड्री वाल कंप्लीट तो इस विद्यालय को नहीं मिल पाता है तो एटलीस्ट बम्बू ट्रीज की जो बाउंड्री वाल मिलती है, जो बांस की आप देखो कई जगहों पर लगी रहती है, कुटिया उटिया में भी या कई जगह लोग बैरिकेटिंग करने में इस्तेमाल करते हैं, एटलीस्ट वो लगा दें। कम से कम कोई आवारा पशु भी अंदर ना घुस जाए, कहीं कई राह चलते आवारा पशु हैं। तो जी भाई आप देख सकते कोई अगर आवारा चरण अगर घुस जाए, किसी बच्चे को मार दे धक्का, उसका उत्तर मेरे भाई कौन दे? किसी के आँख के तारे हैं, किसी के कलेजे के टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय आए हैं, किसी शिक्षक को ही चोट लग जाए, इसका उत्तर कौन देगा? मैंने सबसे आग्रह किया, सबने बोला कि मैं उसको देखूंगा, बहुत जल्द इसमें सुधार आने की प्रयास वो करेंगे। बहरहाल मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ विद्यालयों के आपके माध्यम से कि डीएम रोहतास अकेले कितना चीज़ देख रहे हैं, आखिर डीएम को पूरे जिले का काम देख रहा है। जब तक से जो जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुना है उसका कुछ अता ही पता नहीं है, सरकार चल रही है, कम से कम सरकार में मांग तो रखिए। अरे सफलता मिले ना मिले अलग बात है, कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, कोशिश तो करिए। अरे इसके लिए धरना दीजिए ना कि राष्ट्रीय मध्य विद्यालय में बाउंड्री वाल होना चाहिए, कब इसके लिए धरना देंगे यहाँ का स्थानीय विधायक? कब इसके लिए विधानसभा का घेराव करेंगे? कब वहाँ पे स्पीकर के सामने वो धरना प्रदर्शन करेंगे? कब ये होगा? 2025 में चुनाव का समय होगा। सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन को लेकर लगातार आवाज़ें उठती हैं,
कि कहीं त्रुटि पाया जाता है, कहीं कुछ पाया जाता है, तो आप स्कूल का निरीक्षण करते हैं तो मध्यान्ह भोजन का भी जांच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले तो मध्यान्ह भोजन खाया है, मैं यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले मध्यान्ह भोजन का ही पहले ध्यान से हमारे पहले रसोई घर ही गया, और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रभारी प्राचार्य मनमोहन प्रसाद जी से, जो प्रचार महोदय के चरणों में उन्होंने उनके प्रभार देकर गया है मेरे इस कार्य में। बहुत ही बेहतरीन यहाँ का जो भोजन बन रहा है वो देखने से लगता है कि साफ सफाई को ध्यान रखा गया है, जहाँ साफ सफाई है वहाँ टेस्ट भी अच्छा होता है। आपसे मैं अनुरोध करूँगा अभी मध्यान्ह भोजन खाकर जाइए, समय हो गया है, यहाँ अच्छी है। मैं कई जगह पर खाया हूँ मध्यान्ह भोजन में, मुझे दो तीन जगहों पर थोड़ी बहुत कमियाँ मिली है, बहुत कमियाँ भोजन से नहीं, बच्चे भोजन के लिए नहीं आते यार, बच्चे भोजन ना करें ना खाएं, कम से कम ढंग की पढ़ाई तो पढ़ के जाएँ, कम से कम सुख सीख के तो जाए, खाना कम से तो घर पर खा ही रहे, एक साइड के मध्यान्ह भोजन से कौन उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। सरकार की योजना है बच्चों को मिलता है, लेकिन जिस बच्चे को शिक्षा रूपी भोजन ना मिले उसका जीवन हमेशा खाली रहेगा, पेट तो भर जाएगा सर, जैसे तैसे पेट बच्चा भर लेगा भविष्य में कुछ ना कुछ करके, लेकिन जो गुणी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, शिक्षित नहीं है, उसके जीवन में खालीपन जीवन भर रहेगा। इसलिए शिक्षा रूपी भोजन, शिक्षा रूपी ज्ञान, शिक्षा रूपी आनंद जब तक से आपको नहीं मिलेगा आपका विकास कभी संभव नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के डेहरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके समीर कुमार को, हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर के माध्यम से कि स्कूल तो काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन बाउंड्री वॉल न होने के कारण आप देखिए स्कूल में बताइए परेशानी हो रही है। और अभी आप उन्होंने भी बताया कि हमने निरीक्षण किया तो देखा कि बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशानी है, और जिला पदाधिकारी से भी उन्होंने मांग किया है। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ न्यूज 9 के लिए शिव कुमार ओझा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।